15 तारीख को स्थापना दिवस के मौके पर रांची में हुई पारा शिक्षकों एवं पत्रकारों पर हुए लाठी चार्ज के खिलाफ भाकपा माले ने आज धनबाद के रणवीर वर्मा चौक पर झारखंड के मुखिया रघुवर दास का पुतला दहन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के दिन में सरकार जिस तरह से पारा शिक्षकों एवं पत्रकारों को वहां के प्रशासन के द्वारा लाठी चलाया गया, ये बिल्कुल निंदनीय है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पारा शिक्षकों की जो मांग है उसके लिए भाकपा माले कदम से कदम मिलाकर आंदोलन करने को तैयार है। प्रतिवाद कार्यक्रम हम लोगों का था, जिसके तहत पुतला दहन कार्यक्रम, मार्च वगैरह का कार्यक्रम लिया गया था। पूरे राज्य स्तरीय यह कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए लिया कि 15 तारीख को रांची में पारा शिक्षकों पर जो लाठीचार्ज हुआ, पत्रकारों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, हम लोग उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उसी को लेकर के हमारा यह पुतला दहन का कार्यक्रम था। हम लोग इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार की ओर से जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है तमाम डीसी को कि जो भी हड़ताली पारा शिक्षक हैं उनको जो है वो बर्खास्त करने का काम किया जाए। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये बात कह रहे हैं कि वो इस तुगलकी फरमान को अविलंब वापस ले। दूसरी ओर हम पारा शिक्षकों से भी ये अपील करने के लिए आए हैं, ये अपील कर रहे हैं कि 8-9 जनवरी 2019 को जो अखिल भारतीय स्तर पर जो आम हड़ताल होने वाली है मजदूरों की ओर से, किसानों की ओर से, संगठित असंगठित मजदूरों की ओर से, उस हड़ताल में अपनी सहभागिता करे, योगदान करे और उस हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बना करके इस सरकार को, ये फासिस्ट सरकार को जो है शिकस्त देने का काम करे। इसी के